आदि पुरुष फिल्म पर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी इसका विरोध हो रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और उसके प्रमुख शहर पोखरा में सभी भारतीय फिल्मों को दिखाने पर बैन लगा दिया गया है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सभी भारतीय फिल्मों पर रोक लगाने की घोषणा की है। नेपाल में आदि पुरुष फिल्म में सीता को लेकर फिल्माए गए सीन को लेकर नाराजगी देखने को मिली। फिल्म के एक डायलॉग में सीता को भारत की बेटी कहा गया है। नेपाल के मेयर बालेन शाह ने 15 जून को फिल्म के निर्माताओं को 3 दिन के भीतर फिल्म में सुधार करने की चेतावनी दी थी। ये समय बीत जाने के बाद काठमांडू में सभी भारतीय फिल्मों पर रोक लगा दी गई। फिल्म पर रोक का आदेश पारित करते हुए बालेन शाह ने कहा, 3 दिन पहले हमने आदि पुरुष के निर्माताओं से आपत्तिजनक हिस्से को हटाने के लिए कहा था। इसमें जानकी को भारत की बेटी कहा गया है। नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा करना नेपाल की हर सरकार, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की पहली जिम्मेदारी है। जब तक फिल्म के विवादित हिस्से को ठीक नहीं किया जाता, काठमांडू इलाके में किसी भी भारतीय फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में नेपाल के सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रिया भी आई है। नेपाली सेंसर बोर्ड के सदस्य ऋषिराज आचार्य ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने बीते बुधवार को फिल्म देखी और वितरकों से कहा था कि फिल्म से भारत की बेटी वाला डायलॉग काटने के बाद ही वो स्क्रीनिंग की अनुमति दे सकते हैं। इसके बाद फिल्म से यह सीन काट दिया गया और फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति दे दी गई। हालांकि इसके बाद भी काठमांडू और पोखरा में भारतीय फिल्मों पर बैन करने से कई सिनेमा ऑपरेटर नाराज हैं। उनका कहना है कि इस बैन के चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं भारत की बात करें तो आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग और उसमें किरदारों के चित्रण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं विवादों के बीच आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा था कि फिल्म के कुछ डायलॉग बदले जाएंगे। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5ों बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा, मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूँ फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। हालांकि इसके बाद भी आदि पुरुष फिल्म को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जम्मू कश्मीर के जम्मू और मध्य प्रदेश के कई शहरों में हिंदूवादी और दूसरे संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की गई थी। विरोध करने वाले सरकार से फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। फिल्म समीक्षकों ने फिल्म के डायलॉग और कथानक की आलोचना की है। हालांकि अगर फिल्म की अब तक हुई कमाई पर नजर डालें तो आदि पुरुष ने बीते 3 दिन में दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है।